वेलकम वेलकम आरसी ऑनलाइन क्लासेस। आप हमारा जो न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं, द लेंथ, ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए प्लेन हैव बीन मेजर टू बी 3.2 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू है लेंथ की है और ये एरर है 0.2, 3.2 इसकी एक्चुअल लेंथ एंड 1.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ये ब्रेड्थ है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड इट्स एरिया एंड एरर, ठीक है। तो जो एरिया है और एरर है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला पहले देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। टेंथ में पढ़ा आपने, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। ये एरिया का फॉर्मूला है जो आपको टेंथ में पढ़ा रखा है, याद होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, एरर का फॉर्मूला कंसीडर करना हमें, प्रोडक्ट एरर है ये, प्रोडक्ट एरर कंसीडर करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स, हमने एक फॉर्मूला लिखा था एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी लिखा था ना, ध्यान है ना। तो एक्स में एरर कितना आया था, डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई सॉरी डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी, ये आ गया था आपके पास प्रोडक्ट के लिए एरर, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने ये फॉर्मूला लिखा। तो इसमें अगर ए में एरर लिखें तो ए में एरर क्या आ जाएगा, ए में एरर आएगा डेल ए बाई ए, ठीक है, इज इक्वल टू इसमें देखो डेल प्लस माइनस डेल एल अपॉन एल प्लस माइनस डेल बी बाय बी, क्लियर है। अच्छा देखो, जैसे हमने ये फॉर्मूला लिखा वैसे ये फॉर्मूला लिखा है, आप इसको सॉल्व करते हैं। गिवन जो वैल्यू है उनको देख लेते हैं पहले, फॉर्मूले में क्या क्या गिवन है। तो गिवन है एक तो लेंथ, लेंथ कितनी है, एल इज इक्वल टू 3.2 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। हाँ जी, इसमें एरर कितना है, एरर ये सेंटीमीटर में एरर देख लेते हैं। इसमें डेल एल इज इक्वल टू 0.2 ये एरर है लेंथ में, ठीक है। अच्छा जो एक्चुअल लेंथ कितनी है वो 3.2, ऐसे इसको 3.2 कर देते हैं, 3.2 वो गलती से लिखा गया 3.2 सेंटीमीटर और एरर है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ आ गई एक्चुअल और ये इसको यही इसकी एरर है, ठीक है। अच्छा अब अगर अपन ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ कितनी है बेटा, बी इज इक्वल टू 1.2, ठीक है, और डेल बी कितना है, डेल बी आपके पास एरर जो है बी में वो है 0.1 सेंटीमीटर, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब ये वैल्यू जो है इन वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक तो एरिया कैलकुलेट करेंगे और एक एरिया में कितनी एरर है वो एरर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एरिया ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या था आपके पास, एल इंटू बी, एल कितना है 3.2 मल्टीप्लाई, अच्छा बी देखो 1.2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास, देखो मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 × 4 = 2 और ये आएगा 3.84, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आ गया एरिया, ठीक है ना। अच्छा एरिया आ गया, अब एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। एरर का फॉर्मूला आपके पास है, एरर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एरर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेल ए अपॉन एरिया कितना है, ये रहा 3.84 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है, डेल एल, डेल एल आपके पास डे ये सॉरी 3.2 0.2 है 0.2 और एक्चुअल लेंथ है 3.2, ठीक है, प्लस माइनस डेल बी, बी के डेल बी कितनी है, प्लस माइनस डेल बी कितना है, डेल बी है 0.1 अपॉन कितना है 1.2, डेल बी जो एक्चुअल बी है वो 1.2, ठीक है। अच्छा आप देखिए थोड़ा इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, जगह नहीं है तो इसको रफ करके और फिर कैलकुलेट करते हैं और फिर एरर निकाल लेंगे इसकी जो भी है। तो देखिए आप कुछ नहीं करना, सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको एक बार सोल्व करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि
कि वैल्यूज हमने कैसे सब्स्टिट्यूट की है, एरर कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो देखिए एलसीएम ले लेते हैं और कॉमन है तो प्लस माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं, तो डेल ए इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास है 0.2 अपॉन 3.2 प्लस माइनस, या प्लस बच जाएगा प्लस माइनस कॉमन लेने से 0.1 अपॉन 1.2। क्लियर है? अच्छा आप देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने का तरीका आपको पता होना चाहिए, मैं तरीका बताता हूँ सिंपल सा। एक्स अपॉन ए और वाई अपॉन मान ली सी है, इसका एलसीएम लेना है तो कैसे लेंगे, इसका डिनोमिनेटर इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर हो जाता है। अच्छा देखिए इसी से अपन इसको सोल्व करते हैं, तो डेल ए अपॉन 3.84 इज इक्वल टू प्लस माइनस जो आपके पास है एलसीएम, इसका डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई होगा 0.2 मल्टीप्लाई 1.2। ठीक है, और इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 3.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3.2 और नीचे दोनों मल्टीप्लाई, ये एलसीएम हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 1.2। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए आगे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सोल्व करते हैं, पहले रब कर देते हैं इसको, ये रब कर दिया। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा देखो डेल ए अपॉन 3.84 इज इक्वल टू प्लस माइनस जो है आपका, और मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 को 0.2 से, तो आपके पास आ जाएगा 12 × 24 और पॉइंट लगाएंगे तो ये पॉइंट। ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 3.2 को 0.1 से तो 3.32 और पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगे कहाँ, पॉइंट यहाँ लग जाएगा अपॉन, इनको मल्टीप्लाई हमने पहले भी किया है। ठीक है, तो कितना आता है इसका मल्टीप्लिकेशन, अपने पहले भी किया था 3.84। क्लियर है, तो आपके पास ये आ गया फाइनल। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, हमें तो एरर चाहिए एरिया में, तो डेल ए जी अपॉन 3.84 इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5 और 0.0 अपॉन 3.84। क्लियर है, तो ये आ गया आपके पास इस तरह से। अच्छा अब हमें तो एरिया में एरर चाहिए, तो एरिया का एरर कैलकुलेट करेंगे कैसे आएगा, एरिया के एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो तो डेल ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, 0.56 3.84 और ये जो 3.84 है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 3.84 से 84 कैंसिल। ठीक है, तो डेल ए क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, डेले आ जाएगा आपके पास, इधर लिख देते हैं इसको साइड में लिखा एरर इन एरिया। ठीक है, एरिया में एरर डेले इज इक्वल टू क्या है, 0 ± 0.56 ये आ गया एरिया में एरर। ठीक है, और इस तरह से अपन ने इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आप इसको पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान दें, कोई भी डाउट हो तो आप चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये एरिया में एरर आ गई। अच्छा परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना हो तो परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो इसको रब कर देते हैं यहाँ से, रब करने के बाद आपके पास एरिया में एरर, अगर अपन परसेंटेज एरर लिखे तो परसेंटेज एरर फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100% इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल मल्टीप्लाई 100% एंड प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, इस तरह से अपन परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डेल ए अपॉन ए, ठीक है, डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100% कितना है अपने पास, 56 आया ना, 0.56 तो 0.56 एंड मल्टीप्लाई 100% तो आपके पास आ जाएगा कितना आएगा, 56%। ठीक है, इस तरह से हम एरर कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज एरर, और वो कितनी आई एरिया में, कोई परसेंटेज एरर आपसे पूछे तो 56। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, फिर मिलेंगे। ठीक है, एक बार इसको समझ लेना, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, ओके, कोई भी दिक्कत आपको आए तो ऑनलाइन वाले पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।